मैनपुरी पहुंचे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ने ट्राजिस्ट होस्टल में पत्रकारों से की वार्ता, जहां आयोग द्वारा सरकार की योजनाओं के तहत लाभ देने के संबंध में दी जानकारी। वहीं उन्होंने क्या कुछ बताया है, जरा आप भी सुनिए। पिछड़े वर्ग के जो भारत सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया है और जो पिछड़े वर्ग को अधिकार मिले हैं योजनाओं के तहत उनको लाभ देने का काम है, उनको जनता के बीच में आपके द्वारा पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता है। और मैंने जो बताया है, पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उनके लिए कोर्ट कचहरी जाने के बजाय आयोग में पहुंचे, बेटियों की शादी है वो ले बिल है, बच्चों की फीस है और इससे संबंधित कई उनसे जीवन से जुड़ी ही चीज़ें हैं, आरक्षण का प्रकरण है, नौकरी का है, इन सब का जो लाभ है सीधे आयोग देने का काम करता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछड़े वर्ग की तरफ से धन्यवाद भी देते हैं और आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जो मैंने अभी बताया है इसको जन जन में आपके द्वारा पहुँचेगा, जिससे पिछड़े वर्ग के लोग सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ देंगे। मैंने बताया कि हमारे यहाँ आयोग में रजिस्ट्री कर दे, फैक्स कर दे, व्यक्तिगत फोन कर दे, हम उसको संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करेंगे और 40 दिन के अंदर हम उनको लाभ देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर फिर भी नहीं तो 70 दिन के अंदर न्याय उनके दरवाजे पर खड़ा होगा और जो संबंधित अधिकारी उसको न्याय देने में देरी करेगा उसको भी दंडित करने का आयोग काम करेगा। सादे कागज पर प्रार्थना पत्र, उसका कोई खर्चा नहीं जा सकता है, फैक्स कर दे, फैक्स नहीं कर सकता है रजिस्ट्री कर दे, जब पहुँचेगी हमारा प्रार्थना पत्र उसके 15 दिन के अंदर हम उस विभाग से जवाब मांगेंगे। 15 दिन के अंदर जब वो आख्या दे देंगे, अगर पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है तो फिर दोनों पक्षों को बुलाएंगे और दोनों पक्षों की तो पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का निर्देश दिया जाएगा और संबंधित अधिकारी को दंडित करने का काम आयोग करेगा। इस तरीके के जो प्रकरण दसों वर्ष अदालत में चलते हैं वो आयोग में जाकर के मैं समझता हूँ 70 दिन एक ऐसी अवधि है कि 70 दिन के अंदर उसको न्याय मिलना ही है और उसको कोई खर्चा नहीं करना है। इससे सस्ता, इससे अच्छा और पिछड़े वर्ग को दरवाजे पर न्याय आयोग लिए खड़ा है, केवल उसको अपनी बात कहनी है। बैठक करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं तो भी पहुँचा हूँ, रात हो गया है, अभी दूसरी बैठक कर भी चुका हूँ, अब आपसे कोई वार्ता कर रहा हूँ। जैसे पिछड़े वर्ग को मैंने एक बार पिछले बार भी मैंने कुछ कहा था कि